हेलो गाइस, मैं राकेश सर अपने क्लास में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सॉल्ट का यूज किस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। जो नमक यानी सॉल्ट यानी नमक, जिसे आप हिंदी में लवण भी कहते हैं, उस लवण का यूज किस तरह से किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में गाइस, तो आज इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाए गाइस। आइए हम देखते हैं। हेलो गाइस, आइए तो देखिए सॉल्ट का यूज कैसे किया जाता है। हाउ सॉल्ट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी आप नमक का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कैसे करें। जिस सॉल्ट का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, तो वो सॉल्ट है AgBr, जिसे सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। हाँ गाइस, सिल्वर ब्रोमाइड एक प्रकार का नमक है, सॉल्ट है, जिसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में गाइज। और दूसरा सॉल्ट है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड इनका भी यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में गाइज। तो ये जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, इस तरह सिल्वर आयोडाइड भी है, ये सारे एक प्रकार के सॉल्ट हैं जिनका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में गाइज। ठीक है, अब इसका यूज क्यों किया जाता है, तो गाइज सारे जो है फोटो सेंसिटिव है, जब इसे सनलाइट में रखेंगे तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। एज लाइक गाइस देखिए, AgBr को जब आप लाइट में रखेंगे, ठीक है ना, तो ये डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट में जब ये आएगा तो ये बना जाता है सिल्वर। सिल्वर अलग हो जाता है गाइस, और सिल्वर अलग होने के बाद इसका जो ब्रोमीन है ये भी अलग हो जाता है, ब्रोमीन Br2 ये अलग हो जाता है गाइस। तो इस तरह से ये जो Br है ये गैस है, ये गैस फॉर्म में अलग हो जाता है, जबकि ये जो है सॉलिड है। ओके, इसे बैलेंस कर देंगे आप गाइस, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ भी 2 लग जाएगा। ओके गाइस, तो इस तरह 2AgBr जब सनलाइट में रखा जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ड्यू टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन इट स्प्लिट्स इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन गाइस। इस तरह सिल्वर जो है ये एक सिल्वर मेटल बना देता है, डिकम्पोज होकर सिल्वर मेटल बना देता है। जो फिल्म की जो निगेटिव होता है उस पर एक ओपेक इमेज क्रिएट करता है, जिसे ही हम देखते हैं गाइस। तो इस तरह सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट में डिकम्पोज होकर सिल्वर और ब्रोमीन में बदल जाता है। ब्रोमीन गैस जो है गैस फॉर्म में रहता है वो निकल जाता है, और सिल्वर जो है एक सिल्वर मेटल का निर्माण करता है, जिससे एक ओपेक इमेज बनता है जिसे आप देखते हैं गैस। ओके, तो इस तरह ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है एक प्रकार का नमक है, जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। जब ये सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा जाता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाता है, और सिल्वर जो है एक तरह का सिल्वर मेटल बनाता है और एक ओपेक इमेज क्रिएट करता है जिसे हम देखते हैं। तो इसी का यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। उसी तरह गाइज AgCl का भी यूज किया जाता है, AgCl, ठीक है, इनको भी अगर आप धूप में रखते हैं सनलाइट में तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है, और ये भी बनाता है AgSalt और क्लोरीन जो है गैस फॉर्म में निकल जाता है, क्लोरीन जो है गैस फॉर्म में बाहर आ जाता है गैस। ओके, तो इस तरह Cl2 जो है ये गैस फॉर्म में रहता है, अगर इसे बैलेंस कर दें तो 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो गैस इस तरह 2AgCl सनलाइट में डिकम्पोज होकर 2 सिल्वर मेटल बनाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। तो इस तरह सिल्वर मेटल भी एक ओपेक इमेज क्रिएट करता है जिसे आप देखते हैं गाइस। गाइस, जिस तरह आपको पता चल गया कि सॉल्ट का यूज किस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है और किस किस सॉल्ट का यूज किया जाता है गाइस, अगर गाइस ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और प्लीज शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड में ताकि उनको भी पता चले। गाइस थैंक यू वेरी मच, आप इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।